नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने कर्तव्य पथ पर अपना जीवन बलिदान करने वाले पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दी शोक सलामी। पुलिस कर्मियों को दिया दिवाली गिफ्ट की बड़ी घोषणा। ई पेंशन पोर्टल से जोड़े जाएंगे पुलिस कर्मी। 5 लाख के मेडिकल बिल अब शासन के अलावा डीजीपी भी कर सकेंगे पास। गोरखपुर के रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में डीआईजी व एसएसपी ने शहीदों को किया नमन। कहा, जनता की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी पुलिस कर्मियों एवं शहीदों को किया गया नमन। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा का त्योहार सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस है पुस्तैद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। सभी थानों को अतिरिक्त फोर्स कर दिया गया है आवंटित। अपराध करने वाले अपराधियों के ऊपर करेंगे कठोर कार्यवाही। वनटांगिया समुदाय के बीच सीएम योगी द्वारा परंपरागत दीपावली मनाने और जनसभा स्थल का जिलाधिकारी और एसएसपी ने वनटांगिया ग्राम तिनकोनिया नंबर 1 का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद में सभासद, मेयर, चेयरमैन, नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 31 अक्टूबर तक कार्यालय से ले ले मतदाता सूची का ड्राफ्ट। मतदाता सूची में 1 नवंबर तक बढ़ाया व घटाया जा सकता है नाम। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन पर नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सपा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। सभी सपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। महर्षि कश्यप पर गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में व्याख्यान का हुआ आयोजन। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीएन मिश्रा ने कहा, बच्चों के उपचार की विधा महर्षि कश्यप की है देन। गर्भस्थ शिशु से लेकर किशोरावस्था तक स्वास्थ्य रक्षण का मार्गदर्शन करते हैं कश्यप संहिता। धनतेरस, दीपावली के त्योहार पर शहर में जाम की समस्या के निजात के लिए एसपी ट्रैफिक ने अपनी टीम के साथ किया पैदल गश्त। खरीदारी करने आने वालों से की अपील, कहा सड़क के किनारे खड़ा ना करें दो पहिया एवं चार पहिया वाहन। और जनपद में तेजी से कम हो रहा है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस व प्रभारी अधिकारी आपदा ने कहा कि दीपावली तक जनपद से बाढ़ का पानी घटने की है संभावना। अब खबरें विस्तार से। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर अपना जीवन बलिदान कर देने वाले पुलिस कर्मियों को सीएम योगी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक सलामी दी। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को दिवाली गिफ्ट देते हुए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी पुलिस के लिए साइकिल भत्ता 200 रुपए से बढ़ाकर 500 कर दिया है, अब ये मोटरसाइकिल भत्ता कहा जाएगा। पुलिस कर्मियों के 5 लाख के मेडिकल बिल अब शासन के अलावा डीजीपी भी पास कर सकेंगे। पुलिस कर्मी ई पेंशन पोर्टल से जोड़े जाएंगे। वहीं पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर अपना जीवन बलिदान कर देने वाले पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक सलामी दी गई। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन के शहीद ग्राउंड पर जनता की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी पुलिस कर्मियों एवं शहीदों को नमन किया गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल जनता की सुरक्षा के लिए हर समय और हर परिस्थिति में तैयार रहती है तथा समय आने पर उच्च बलिदान देने में पीछे नहीं हटते हैं। इस अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी रेलवे अभय सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,
माननीय मुख्यमंत्री जी, सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आपके साथ हैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डॉक्टर के एस प्रताप कुमार तथा पुलिस महानिदेशक के जीएसओ अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एन रविंदर। शोक पुस्तिका वाहक दल परेड मैदान के दाहिने किनारे से चलता हुआ स्मृति दिवस 2022 जन सेवा का उच्च आदर्श हृदयंगम किए अनेकों पुलिस जन प्रतिवर्ष कर्तव्य पथ का अनुगमन करते हुए वीर गति को प्राप्त होते रहे हैं। पुलिस जनों के कार्य की प्रकृति की कुछ ऐसे है कि इसमें कदम कदम पर जोखिम व जीवन भय सन्निहित है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष अपने कार्यों को अंजाम देने की प्रक्रिया में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपनी प्राण आहुतियां देते रहे हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन सेवा के उच्च आदर्श की प्राप्ति में मर मिटने से भी गुरेज ना करने वाले ये पुलिस जन मर कर भी अमर हो जाते हैं। इनकी कीर्ति व यशोगाथा समय के साथ क्षरित नहीं होती अपितु तो अविरल अनुप्रमाणित करती रहती है। पुलिस की भावी संततियों को उसी पथ पर द्विगुणित साहस व मनोयोग से आगे बढ़ने के लिए ऐसी एक गाथा आज से 63 वर्ष पुरानी है। भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख का जनहीन क्षेत्र 15,000 फीट से ऊंची बर्फ से ढके पर्वतों
दलों के बीच जहां की सामान्य नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, वहां सदैव की भांति उस दिन भी देश की सीमा के सजग प्रहारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान अपने नियमित गश्त पर निकले थे। गश्त के दौरान अचानक उन्हें लगा कि वे शत्रु से गिर चुके हैं। चीनी सैनिकों ने छल पूर्वक हमारे क्षेत्र में आकर हमारे ही सिपाहियों को पकड़ने के लिए एम्बुश लगाया था। चीनियों ने दावा किया कि वो क्षेत्र उनका है, पर भारतीय पुलिस के जवान, जो कि अपने परिजनों को छोड़ सुख सुविधा से दूर उस निर्जन क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा का प्राण लेकर आए थे, अपनी मातृभूमि का एक इंच टुकड़ा भी शत्रु को कैसे सौंप देते। प्राण देकर भी मातृभूमि का रक्षा करने की भारतीय बहादुरों की परंपरा पर उन्होंने आंच नहीं आने दी तथा साधारण शस्त्रों के सहारे ही ये जवान स्वचलित राइफलों व मोर्टारों से लैस चीनियों से भिड़ गए। इस प्रकार भारतीय पुलिस के 10 बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। इस घटना का समाचार पाकर सारा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। 21 अक्टूबर 1959 का ये दिन हमारे जवानों की प्रेरणा का एक अनन्य स्रोत बन गया। मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों तक का उत्सर्ग कर देने वाले बहादुरों का बलिदान सदैव हमें अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। अंजलि अर्पित करते हैं, शत शत नमन उन बहादुरों को जिनके लिए कर्तव्य पालन प्राणों से भी अधिक प्रिय रहा। दिनांक 1 सितंबर 2164 पुलिस जनों द्वारा कर्तव्य की वेदी पर अपनी जीवन आहुतियां दी गई, जिसमें आंध्र प्रदेश से 8, असम से 4, बिहार से 7, केरल 1, मध्य प्रदेश 16, मणिपुर 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 2, राजस्थान 3, सिक्किम 6, तमिलनाडु 3, त्रिपुरा 1, सीआरपीएफ 6, सीएएसएफ 6, सीआरपीएफ 30, आईटीबीपी 14, एनएसजी। अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं अब उन 7 वीर जवानों फतेहपुर दिनांक 31/3/2022 को थाना सुल्तानपुर घोष में नियुक्त निरीक्षक वीरेंद्र नाथ मिश्रा को 10:30 बजे वाहन संख्या UP 71 AS 8582 हीरो स्प्लेंडर प्लस के चालक नरेंद्र पासी व पीछे बैठे उसके मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकार उप निरीक्षक वीरेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी गई। इसको थाना दादरी जनपद गौतम बुद्ध नगर पर नियुक्त उप निरीक्षक नागरिक पुलिस खादिर का जीडी संख्या 11 समय 9:48 बजे मुकदमा। गणों को पुलिस की भनक लगते ही अभियुक्त गण कार से ग्राम जड़ौली से ग्राम मोदीपुर करनाल की तरफ भागे। उनकी कार का पुलिस द्वारा पीछा
देखिए, आज पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जनपद गोरखपुर के पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर जनता की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को, शहीदों को आज यहां पर नमन किया गया है। सुरक्षा बल जनता की सुरक्षा के लिए हर समय हर परिस्थिति में तैयार रहते हैं और समय आने पर सबसे उच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। मैं आज
पूरे पुलिस परिवार की तरफ से उन सभी वीर बलिदानियों को, हमारे सभी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महिला कार्मिकों के पुलिस भर्ती के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था हो या प्रदेश के अंदर 3 महिला पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया, ये सभी कार्य विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए पुनर्गठन और उनके आधुनिकीकरण के क्रम में भी किया गया। हम लोगों ने अनेक कदम उठाए हैं शासन स्तर पर भी, आज उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। आज भी हम लोगों ने जो बहुत दिनों से मांग थी, पुलिस कार्मिकों को 200 रुपये साइकिल भत्ता मिलता था, अब हम इसे 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता के रूप में पुलिस के जवानों को उपलब्ध कराएंगे। ई पेंशन की स्कीम लागू करने के साथ ही अन्य कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की भी आज घोषणा की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश का ये सबसे बड़ा सिविल पुलिस का बल, देश के सबसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखते हुए, प्रदेश में कानून का राज को बनाए रखने में जो भूमिका उन्होंने अब तक निभाई है, इसको और मजबूती के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करेंगे। मैं सभी उन पुलिस जवानों को जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने आप को बलिदान किया है, प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जनपद में धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा और गोवर्धन पूजा का त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आगामी त्योहार को देखते हुए सभी पुलिसकर्मी के अधिकारियों को और सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। बाजारों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तथा अपराध करने वाले व्यक्तियों के ऊपर सतर्क दृष्टि बनाए रखें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सभी थानों को अतिरिक्त फोर्स आवंटित कर दिया गया है। पिकेट, बैरियर, फ्लैग मार्च और रूट मार्च के माध्यम से सुदृढ़ इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ ही बाहर से भी और फोर्स मंगाए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोवर ने कहा, देखिए आगामी दिनों में जो भी पर्व और त्योहार जैसे कि धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा जो मनाए जाने हैं, उस संबंध में पुलिस के सभी अधिकारियों को, गोरखपुर के सभी पुलिसकर्मियों को, थाना प्रभारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं जहां पर महिलाओं का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का और आम जनमानस का जहां पर आवागमन होता है, जहां पर मार्केट करने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर सतर्क दृष्टि बनाए रखें। अपराध करने वाले व्यक्तियों के ऊपर सतर्क दृष्टि बना के रखें, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें और एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ये सभी त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाएं। मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को आगामी त्यौहार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए सभी थानों को जो फोर्स है वो आवंटित कर दी गई है, उनके यहाँ पर पिकेट और बैरियर के माध्यम से, प्लस जो पैदल गश्त और रूट मार्च और फ्लैग मार्च के माध्यम से सुरक्षा के सुदृढ़ इंतजाम किए जा रहे हैं। ये हमारे पास बाहर से फोर्स प्राप्त हुई है, उसको भी डिप्लॉय किया गया। वनटांगिया समुदाय के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 अक्टूबर को परंपरागत रूप से दीपावली मनाएंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर शुक्रवार को जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वनटांगिया ग्राम तिनकोनिया नंबर 1 में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, CDO संजय कुमार मीना, SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने जायजा लिया और संबंधितों को अवश्य दिशा निर्देश दिए। नगर निकाय चुनाव पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि 20 अक्टूबर तक नगर निगम व नगर पंचायत में जो BLO तैनात हैं, उनके द्वारा घर घर भ्रमण करके बढ़े हुए नाम, विलोपित नाम, संशोधित नाम की प्रतिलिपियां जमा करनी थी। उन लोगों के द्वारा फार्म को जमा करवाया जा रहा है जिनका डाटा एंट्री करवाया जा रहा है।
31 अक्टूबर तक मतदाता सूची का प्रकाशन करना है। मेरा सभी लोगों से अपील है कि जो लोग सभासद, मेयर, चेयरमैन, नगर निगम पार्षद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग 31 अक्टूबर तक मतदाता सूची का ड्राफ्ट ले लें। इसके बाद 1 नवंबर से 7 नवंबर तक उस मतदाता सूची में नाम बढ़ाया और घटाया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 नवंबर को हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि इसमें कोई भी तारीख को बढ़ाया नहीं जाएगा, इसलिए सभी लोग मतदाता सूची ले लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 20 अक्टूबर तक हमारे सभी बीएलओ को जो नगर निगम में और नगर पंचायतों में तैनात हैं, उनको घर घर भ्रमण करके बढ़े हुए नाम, विलोपित नाम, संशोधित नामों की पांडुलिपियाँ जमा करनी थी। उन लोगों के द्वारा अपनी पांडुलिपियाँ जमा की जा रही, जिसकी हम लोग डेटा एंट्री करा रहे हैं। 31 अक्टूबर तक हमें ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन करना है। मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से जो सभासद के लिए, मेयर के लिए, चेयरमैन के लिए या नगर निगम पार्षद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सबों से अनुरोध है कि वे लोग 31 अक्टूबर को हमारा जो निर्वाचन कार्यालय है वहां से संपर्क कर ड्राफ्ट मतदाता सूची ले लें। इसके बाद 1 नवंबर से 7 नवंबर तक उस मतदाता सूची में नाम बढ़ाए जा सकते हैं, नाम घटाए जा सकते हैं। जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन है वो 18 नवंबर को हो जाएगा। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सूचित किया गया है, इसमें कोई भी तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। तो मेरा अनुरोध है निर्वाचन कार्यालय से, आप लोग अपनी अपनी मतदाता सूची ले लें, उसका गहनता पूर्वक निरीक्षण कर लें और जहाँ पे भी आपको संशोधन की गुंजाइश लगती है, अपना निर्धारित प्रारूप पे अपना फॉर्म भर करके जमा कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने कर्तव्य पथ पर अपना जीवन बलिदान करने वाले पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दी शोक सलामी। पुलिस कर्मियों को दिया दिवाली गिफ्ट की बड़ी घोषणा। ई पेंशन पोर्टल से जोड़े जाएंगे पुलिस कर्मी। 5 लाख के मेडिकल बिल अब शासन के अलावा डीजीपी भी कर सकेंगे पास। गोरखपुर के रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में डीआईजी व एसएसपी ने शहीदों को किया नमन। कहा, जनता की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी पुलिस कर्मियों एवं शहीदों को किया गया नमन। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा का त्योहार सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस है मुस्तैद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। सभी थानों को अतिरिक्त फोर्स कर दिया गया है आवंटित। अपराध करने वाले अपराधियों के ऊपर करेंगे कठोर कार्यवाही। वनटांगिया समुदाय के बीच सीएम योगी द्वारा परंपरागत दीपावली मनाने और जनसभा स्थल का जिलाधिकारी और एसएसपी ने वनटांगिया ग्राम तिनकोनिया नंबर 1 का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद में सभासद, मेयर, चेयरमैन, नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 31 अक्टूबर तक कार्यालय से ले ले मतदाता सूची का ड्राफ्ट। मतदाता सूची में 1 नवंबर तक बढ़ाया व घटाया जा सकता है नाम। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन पर नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सपा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। सभी सपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। महर्षि कश्यप पर गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में व्याख्यान का हुआ आयोजन। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीएन मिश्रा ने कहा, बच्चों के उपचार की विधा महर्षि कश्यप की है देन। गर्भस्थ शिशु से लेकर किशोरावस्था तक स्वास्थ्य रक्षण का मार्गदर्शन करते हैं कश्यप संहिता।
धनतेरस दीपावली के त्योहार पर शहर में जाम की समस्या के निजात के लिए एसपी ट्रैफिक ने अपनी टीम के साथ किया पैदल गश्त। खरीदारी करने आने वालों से की अपील, कहा सड़क के किनारे खड़ा ना करें दो पहिया एवं चार पहिया वाहन। और जनपद में तेजी से कम हो रहा है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस व प्रभारी अधिकारी आपदा ने कहा कि दीपावली तक जनपद से बाढ़ का पानी घटने की है संभावना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन पर नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सपा के सभी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में सपा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के सभी जिलों में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसको देखते हुए गोरखपुर में भी रानी लक्ष्मीबाई पार्क में नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी सपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। हम सभी को नेताजी के विचार आचरण आत्मसात करके पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करना है, यही श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, शिवाजी शुक्ला, शशिकांत दुबे, विश्वजीत त्रिपाठी, जावेद खान, हीरालाल यादव, संतोष यादव, सुनील यादव, विकास यादव, बृजनाथ मौर्य, सुरेंद्र निषाद, रामजीत यादव, शिव प्रसाद यादव, इमरान खान, विक्रांत उपाध्याय, नावेद मलिक, जनार्दन सिंह, घनश्याम राव, कमलेश यादव, अमरुद्दीन अंसारी, जुबेर अहमद, खुद्दुस अली, संजय निषाद सहित अन्य सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, समाजवादी परिवार और नेताजी के परिवार के साथ काम कर रही है कभी, और वर्तमान में गोरख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आदि डॉक्टर रजनीकांत पांडे जी से अनुरोध, अरविंद शुक्ला से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आवे और शक्ति बहुत से लोग है बात करने के लिए। हमारा चूंकि पारिवारिक संबंध था नेताजी से और नेताजी के घर से भी मेरे पिताजी का मेरा मेरे और 78 में 2 साल नेताजी के साथ इटावा में भी बिताया है। समाज बहुत से लोग लेकर के चले और अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तरह से उस पर रोशनी देते गए, रास्ता देते गए, लेकिन समाजवाद जलाई हुई लौ है वो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के शक्ल में वो बिंब ऊपर छाई वो तस्वीर दिखाई देती है और निश्चित रूप से जो है अखिलेश यादव जी उस चीज को बढ़ाएंगे आगे। साथियों, ज्यादा वक्त नहीं करके 2-4 लाइनें के शेर में मैं कहूंगा कि कौन कहता है कि मौत आएगी मर जाऊंगा, कौन कहता है मौत आएगी मर जाऊंगा, अरे मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। दोस्तों, है जलवे ऐसे भी कुछ जिनकी ताबानी नहीं जाती, छुपे वो लाख लेकिन वर्त सामानी नहीं जाती, वो आते हैं अदल ही से नए अंदाज में आलम और ताज्जुब क्या जो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती, ताज्जुब क्या जो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। दोस्तों, मैं अपनी खराज अकीदत और श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि नेताजी को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि नेताजी को पहली बार मेरा सामना, आमने सामने मुलाकात 1991 का चुनाव विधानसभा का बुरा तरह से हारने के बाद गोरखपुर सिंचाई डाक बंगले में हुई थी। वो फोटो तमाम अखबारों में नेताजी के निधन के बाद गोरखपुर में छपी थी, इसमें आदरणीय किस कुमार त्रिपाठी जी की भी फोटो थी। क्योंकि चुनाव पूरी तरह से हम लोग हारे थे,
चेहरा लटका हुआ था। उर्दू का एक शब्द है कि हम लोग मायूस थे, तो नेताजी स्वर्गीय जमुना निषाद जी जिंदा थे, हो सकता है किस कुमार जी को याद हो, उन्होंने कहा हंसते हुए फोटो बनवाओ और दो तीन साल के अंदर फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी और 93 में समाजवादी पार्टी की पुनः सरकार बन गई। ये नेताजी का हौसला था। नेताजी का जिस दिन निधन हुआ हम मेदांता अस्पताल में थे, अपने आप आंख छलक गई और 26 साल की उम्र में जब लोग युवा संगठन की राजनीति करते हैं तो 26 साल की उम्र में उन्होंने समाजवादी पार्टी गोरखपुर का महानगर अध्यक्ष को बनाने का काम किया। एक कठिन दौर ऐसा था कि दल के अंदर जो दलीय राजनीति होती है तो उसके अंदर जो कंपटीशन होता है उससे हम झेल रहे थे, लड़ रहे थे कि कैसे अपने को भी आगे की लाइन में रखा जाए। तो नगर निगम उप सभापति का चुनाव था और नेताजी के बंगले पर मैं पहुंच गया। 15-20 मिनट के बाद मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि नगर निगम उप सभापति का चुनाव मैं लड़ना चाहता हूं। उन्होंने एक सेकंड छोड़ा नहीं, कहा तुम पार्टी के कार्यकर्ता हो, और फोन उठाया और शिवपाल यादव जी को फोन किया कि गोरखपुर नगर निगम का चुनाव जियाउल इस्लाम लड़ना चाहते हैं। हमको अच्छी तरह याद है, ए सीताराम जायसवाल जी को मैं टिकट दिलाने ले गया था। कहा जाता है गोरखपुर के बहुत बड़े व्यापारी हैं, हमारे महापौर सम्मानित बुजुर्ग आदमी है, सम्मान मैं उनका करता हूं। मगर जब सीताराम जी को मैं टिकट दिलाने ले गया, हम थे आदरणीय जयप्रकाश यादव जी थे, श्री गणेश शंकर पांडे जी थे, तमाम साथी थे, तो सीताराम जी से ये नहीं कहा कि तुम कितने बड़े पैसे वाले आदमी हो, तुम कितने बड़े व्यापारी हो, 10 लाख रुपया निकाल करके उनको दिया और कहा जाओ ये समाजवादी पार्टी की तरफ से तुम्हारी मदद है और ये टिकट जाकर चुनाव लड़ो। आसत वाला चुनाव लड़ेगा ये मानेगा नहीं, इसको भी 2 लाख रुपया दे दो। ये नेताजी का विचार था। आज नेताजी की श्रद्धांजलि सभा पूरे प्रदेश में चल रही है, उसी कड़ी में आज गोरखपुर जनपद के इस रानी लक्ष्मीबाई पार्क में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज देश को जिस तरीके का नेतृत्व नेताजी ने दिया, आज सभी हम लोगों को सबक लेते हुए उसी रास्ते पर चलना है। आज इसी संकल्प के साथ समाजवादी लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज के चिकित्सा जगत में बच्चों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक पीडियाट्रिशियन की बहुत मांग है। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि बच्चों में होने वाली व्याधियों के उपचार की विधा सैकड़ों वर्ष पूर्व भारतीय मनीषी परंपरा के मूर्धन्य विद्वान महर्षि कश्यप की देन है। महर्षि कश्यप ने गर्भस्थ शिशु से लेकर किशोरावस्था तक की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और तदनुरूप व्यवस्थाओं का व्यवहारिक मार्गदर्शन किया है। यह बातें राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में कौमार्य भृत्य विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डी.एन. मिश्रा ने कही। वह महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार के गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में 7वें आयुर्वेद पर्व एवं धन्वंतरी जयंती साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को महर्षि कश्यप पर व्याख्यान दे रहे थे। प्रोफेसर मिश्र ने कहा कि महर्षि कश्यप की संहिता आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की धरोहर है। कश्यप संहिता का मूल नेपाल के राजा के संग्रहालय में मिला। यह संहिता आयुर्वेद के आलोक में बच्चों के रोग व उपचार का व्यवहारिक ज्ञान देती है। इस संहिता के माध्यम से महर्षि कश्यप ने बच्चों की चिकित्सा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। प्रोफेसर मिश्र ने कहा कि महर्षि कश्यप न केवल बच्चों के उपचार की विधि बताते हैं बल्कि यह जानकारी भी देते हैं कि उनका पालन पोषण कैसे करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में वह गर्भवती महिला के स्वास्थ्य रक्षण का भी व्यवहार जनित तरीका बताते हैं।
हर प्रकार के स्वास्थ्य रक्षण को लेकर आयुर्वेद परक आहार को लेकर उनका खासा जोर रहा है। उनका मानना था कि स्वास्थ्य परक जीवन शैली के लिए संतुलित और पोषक आहार अनिवार्य तत्व है। प्रोफेसर मिश्र ने भारतीय स्वास्थ्य चिंतन के आधार पर गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज ने बहुत कम समय में उच्च स्तरीय अध्ययन व्यवस्था के साथ जिस तरह के व्यवहारिक प्रयास शुरू किए हैं उनका पूर्वांचल को आरोग्यता प्रदान करने में महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम सामने आएगा। उन्होंने यहाँ के आयुर्वेद के छात्रों को सौभाग्यशाली बताया जिन्हें अध्ययन शोध अनुसंधान के साथ विशेषज्ञों के अनुभव व व्यवहारिक प्रयोग का लाभ मिल रहा है। व्याख्यान माला की अध्यक्षता महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने की। इस अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर जी एस अजीता, डॉक्टर गणेश पाटिल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर पीयूष वर्षा आदि की सहभागिता रही। धनवंतरी व सरस्वती वंदना की प्रस्तुति साक्षी सिंह, दीक्षा प्रिंस ने तथा वंदे मातरम की प्रस्तुति आशमा खातून, प्रेरणा व स्वाति ने की। मंच संचालन खुशी मिश्रा ने किया। धनतेरस दीपावली के त्योहार पर लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में आते हैं और अपने वाहनों को रोड के किनारे ही खड़ा कर देते हैं जिससे शहर में जाम की समस्या बन जाती है। जिसको देखते हुए शुक्रवार को एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में महानगर में लोगों को जागरूक करने के लिए पैदल मार्च किया गया। जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि धनतेरस और दीपावली के त्योहार पर शहर में काफी भीड़ होती है, लोग खरीदारी करते हैं और अपने वाहन को रोड के किनारे खड़े कर देते हैं से आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी संबंध में शहर के प्रमुख चौराहों गणेश चौराहे से कचहरी चौराहा होते हुए गोलघर से विजय चौक होते हुए उग्रसेन तिराहा तक सड़क के किनारे खड़े दोपहिया वाहन एवं चार पहिया वाहनों को अनाउंस करके सड़क के किनारे से हटवाकर निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करवाया गया। जनता से अपील किया गया कि आगामी त्योहार को देखते हुए शहर में कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न न होने पाए जिसके लिए नागरिक सड़क के किनारे कोई भी दोपहिया एवं चार पहिया वाहन खड़ा ना करें और जनपद को यातायात मॉडल के रूप में बनाने के लिए यातायात पुलिस का सहयोग करें। इस अवसर पर टीएसआई मनोज कुमार राय, अजीत कुमार पांडे, राम वृक्ष यादव, इंदल कुमार, नरेंद्र पाल, विनीत यादव सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा सभी लोग जो लोग रास्ते में चल रहे हैं आप लोग फिर भी आपने वाहन को रोड पे खड़ा नहीं करेंगे तो शहर इतना ही चमकता मिलेगा आपको। अगर आपने यहाँ वाहन नहीं खड़ा किया तो अगली जगह दूसरा भी खड़ा करेगा आपको सहूलियत मिलेगी क्योंकि हर रास्ते हैं आपको उसके वाहन को रोड के नीचे लगाएंगे इतना सीधे से रोड किया जा रहा है इसके बाद भी आपने अपने रिक्शे को 11 UP 60 33 अगर आपकी एक गाड़ी से आम जमी है ठेले वाले आपको मूंगफली बाबा आप जब किनारे आइए किनारे तुरंत आइए आगे बढ़ाइए आप लोगों ने विशेष आग्रह और अनुरोध किया जाता है आप दीपावली भैया दूज एवं धनतेरस का पावन पर्व एकदम सन्निकट है। इसके मद्देनजर बाजारों में काफी भीड़भाड़ हो रही है इसलिए यातायात पुलिस की टीमें के द्वारा शहर में पेट्रोलिंग करके सभी खरीदार करने वालों के लिए त्यौहार मनाने वालों के लिए सभी के लिए जागरूक किया गया कि अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें जिससे कि किसी के लिए भी त्यौहार मनाने में आवागमन करने में कोई असुविधा ना हो यातायात बाधित ना हो और लोगों को सुरक्षित रहें इसके लिए उनके लिए बताया गया कि हमेशा हेलमेट लगा के चलें पार्किंग स्थल में गाड़ी लगाएं। पार्किंग स्थल की भी नागरिकों को जानकारी दी गई कि शहर में 5 पार्किंग स्थल वर्तमान में ऑपरेशनल हैं जैसे कि गोलघर में मल्टी लेवल पार्किंग, यूनाइटेड सिनेमा के सामने पार्किंग, कचहरी क्लब के सामने पार्किंग, टाउन हॉल का मैदान और संबंधित मॉल
जहाँ खरीदारी करने जाते हैं वहाँ पार्किंग में ही गाड़ी खड़ा करें ताकि सब लोग सुरक्षित रहें और त्योहार का आनंद ले सकें। जनपद में तेजी से नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस व प्रभारी अधिकारी आपदा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में बाढ़ की स्थिति समाप्ति की ओर है। अभी राप्ती नदी का जलस्तर कुछ बढ़ा है, जिसके कारण बड़हलगंज के कुछ गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। उम्मीद है कि दीपावली तक पूरा जनपद बाढ़ की स्थिति से बाहर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जितना भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा राहत सामग्री का वितरण करवाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस व प्रभारी अधिकारी आपदा राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस हूँ, प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। जनपद में बाढ़ की स्थिति लगभग समाप्ति की ओर है। अभी राप्ती का पानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण बड़हलगंज क्षेत्र के कुछ गांव अभी भी प्रभावित हैं और मेरा अनुमान है कि दीपावली तक लगभग संपूर्ण जनपद बाढ़ की स्थिति से बाहर हो जाएगा। सर, जो बाढ़ जितना भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे उनमें माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में राशन सामग्री का वितरण, राशन किट का वितरण और अन्य जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनका वितरण कराया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने कर्तव्य पथ पर अपना जीवन बलिदान करने वाले पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दी शोक सलामी। पुलिस कर्मियों को दिया दिवाली गिफ्ट की बड़ी घोषणा। ई पेंशन पोर्टल से जोड़े जाएंगे पुलिस कर्मी। 5 लाख के मेडिकल बिल अब शासन के अलावा डीजीपी भी कर सकेंगे पास। गोरखपुर के रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में डीआईजी व एसएसपी ने शहीदों को किया नमन। कहा, जनता की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी पुलिस कर्मियों एवं शहीदों को किया गया नमन। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा का त्योहार सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस है मुस्तैद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, सुरक्षा के है पुख्ता इंतजाम। सभी थानों को अतिरिक्त फोर्स कर दिया गया है आवंटित। अपराध करने वाले अपराधियों के ऊपर करेंगे कठोर कार्यवाही। वनटांगिया समुदाय के बीच सीएम योगी द्वारा परंपरागत दीपावली मनाने और जनसभा स्थल का जिलाधिकारी और एसएसपी ने वनटांगिया ग्राम तिनकोनिया नंबर 1 का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद में सभासद, मेयर, चेयरमैन, नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 31 अक्टूबर तक कार्यालय से ले ले मतदाता सूची का ड्राफ्ट। मतदाता सूची में 1 नवंबर तक बढ़ाया व घटाया जा सकता है नाम। उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन पर नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सपा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। सभी सपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। महर्षि कश्यप पर गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में व्याख्यान का हुआ आयोजन। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीएन मिश्रा ने कहा, बच्चों के उपचार की विधा महर्षि कश्यप की है देन। गर्भस्थ शिशु से लेकर किशोरावस्था तक स्वास्थ्य रक्षण का मार्गदर्शन करते हैं कश्यप संहिता।
धनतेरस दीपावली के त्योहार पर शहर में जाम की समस्या के इंतजाम के लिए एसपी ट्रैफिक ने अपनी टीम के साथ किया पैदल गश्त। खरीदारी करने आने वालों से की अपील, कहा सड़क के किनारे खड़ा ना करें दो पहिया एवं चार पहिया वाहन। और जनपद में तेजी से कम हो रहा है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस व प्रभारी अधिकारी आपदा ने कहा कि दीपावली तक जनपद से बाढ़ का पानी घटने की है संभावना। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।